मेरा सवाल ये होगी गुड़ा जी, थर्ड पक्ष में आगा बाद में, तो लगी सत्यानाश करने के बाद में आया? सही बोल रहे हो अशोक जी, मेरे 18 नुत्तो गादर गया गहलोत साहब, तो मैं जालोर से रोई में गा लिया नुत्तो, तो नुत्ता रिपिया का दो रिपिया गाल बगो तो काय दो है। अभी एक लुक भी चेंज करो है, तो काफी सरगर्मी अभी चाले के गुड़ा जी जगह पे फिल्मी जगत के अंदर भी जा सकी है। एक पहली प्रत्येक गांव में पैदल जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा। एक जाति को एक छत्र नहीं होना चाहिए, पावर तो सबके करनी आनी चाहिए, सबसे कमजोर अभी सबसे ज्यादा पावर आनी चाहिए। विजेंद्र जी वाला राजनीतिक रूप से मान 100 नंबर में से 0 दू, कुछ भी काम को नहीं है। राजस्थान को सबसे बैकवर्ड जिलो है, लठ गाड़ दूंगा, लठ पग पग बेल दूंगा, चाहे की कठे जार बिड़ बागे, मैंने मेरा मुकाबला ही बनी है, कट्ठे बिड़ना पड़े। लोग कल अपने तीन तीन सरकारी कॉलेज ठोक दी मैं, तीन तीन। कौन सी पार्टी का साथ में आ रहा है या फिर इंडिविजुअली? राजेंद्र गुड्डू खुद की पार्टी है मेरे भाई, सेवा करूँ लोगों की। चैनल के माध्यम से ऐलान कर दो कि जिनू से चुनाव गुड़ा जी लड़ रहेंगे। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और झुंझुनू के जो विधानसभा का जगह चुनाव है, आपका कैसा कि बाई इलेक्शन दोबारा हो रहे हैं, उपचुनाव दोबारा हो रहे हैं, भी के जो कारण वो ये है कि झुंझुनू का जगह वर्तमान विधायक है वह सांसद का चुनाव जीतगा, और भी के बाद में जो कि सरगर्मी ही तेज होगी और तेज होने का भी जो कारण है वो आप देश का एक और चेहरा जो है झुंझुनू के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और भाई वजह है कि बिल्कुल रोमांचक जो है वो झुंझुनू को चुनाव हो गया है, पिछले लेके आप गुड़ा जी का आया है और खतेपुरा गांव के तरफ अभी मौजूद है। आने सवाल जाना कि जगह समीकरण सुनने में आ रहे हैं पर वो कितनी की सच्चाई है, और झुंझुनू के अंदर भी जगह गुड़ा जी का जगह बोल ही वह सुनने मिलेगा आगे। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी, सबसे पहले तारो बहुत बहुत स्वागत है झुंझुनू विधानसभा का। धन्यवाद, मैं तो थारो पूरा झुंझुनू थारो है, लेकिन फिर भी उदयपुर वाड़ी कर्म क्षेत्र रही हो। नहीं, मैं राजस्थान का मंत्री रहा हूँ दो बार, तो पूरे राजस्थान ही मेरा कार्य क्षेत्र हो गया। बिल्कुल, पहले तो मैं एक बात करूँ, एक इंटरव्यू करूँ मैं सुभकर्ण जी को हार के बाद में, और मेरा सवाल ये हो कि भाई बोला कि मारा विपक्ष में दो आदमी, एक तो आप कांग्रेस का जगह जीता सैनी जीपण को नाम लियो, एक थारो नाम लियो, मेरा सवाल ये हो कि गुड़ा जी थारो पक्ष में आगा बाद में, तो बोला कि सत्यानाश करने के बाद में आया, तो भी चीज में कितनी की सच्चाई? सही कह रहा है, बात सही बोल रहा है, समर्थन कर रहा बात है। हां कर रहा, बिल्कुल ठीक है। तो अगला सवाल मेरा ये रहो कि कितनी की सच्चाई है अभी झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से गुड़ा जी को जो नाम बार बार आ रहे है और लोग जानना चाहे गड़े गड़े? देख मेरे भाई, मैं चुनाव की जिक्र राजनीति है ना, मेरे तो 20,000 भाईला बढ़ जाए जो फार्म भरू। अच्छा, जब तक मेरे भाईला 20,000 ना हो मैं फार्म कौन भरू? मैं डोल रही हूँ, मैंने भाईला मिल जाएगा तो फार्म भर दूंगा, नहीं इस वो झुंझुनू उदयपुर वाटी सारो मेरो ही क्षेत्र है। मैं तो राजनीति जठा आज तक कोई नहीं ताकत नहीं मिली, बात ताकत मिले। और सबसे बड़ी बात एक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का मायने 100% रिजर्वेशन है, बट MP भी रिजर्व है, MLA रिजर्व है, टोटल प्रधान प्रमुख सब रिजर्व है, झुंझुनू में तो रिजर्वेशन को नहीं। एक जाति को एक छत्र नहीं होना चाहिए, पावर तो सबके करनी आनी चाहिए, सबसे कमजोर अभी सबसे ज्यादा पावर आनी चाहिए, सबसे कम। मैं उस घर में दीपक जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है, सबसे कमजोर है बिन ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा ताकत पर बिन ताकत की जरूरत करूँ, तो पहली से ताकत है अभी। उड़ा जी, लोकसभा के चुनाव से पहले काफी सारा वीडियो वायरल हुआ जगह के अंदर थे, उड़ा जी के पक्ष में भी वोटिंग की अपील करता नजर आया, फिर अपील भी ना नहीं कहा तो बन के पक्ष की बात करता नजर आया, अब बन की खिलाफत करोगा तो क्या? विजेंद्र जी वाला मेरा बहुत नज़दीक, में 10 साल तक 7 सरकार में रहा और मैं बहुत नज़दीक हाँ व्यक्तिगत रूप से, मैं माने मेरा मन से बहुत अच्छा संबंध है, पर राजनीतिक रूप से मान 100 नंबर में से 0 तू, कुछ भी कौन करेगा? 0 100 में से 0 न हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हॉस्पिटल का बेड़ा गर्क हो रहा है, अठे नए अठे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ID चलेगी, अठे रोज अठे देखो रेलवे ट्रैक है भी पुलिया ही को नहीं, कुछ भी काम को नहीं है। राजस्थान को सबसे बैकवर्ड जिलो है, बना दियो 18 सैनिक पूरा हिंदुस्तान की हिफाजत करे, अपना उद्योगपति है जगह 200 साल पहले पूरा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ने ताकत देने को दे पाओ काम करे। एक चीज और बताऊं थे कि बाकी आप राजनेता देखा कि लोगों ने मायत बोली भाई बोली यो कॉन्सेप्ट लेके चले, गुड़ा जी एक भाई लगो कॉन्सेप्ट लेके चले, तो भाई लगो के कॉन्सेप्ट है यार? दोस्त है मेरा सो जगह आदमी भाई ने जी बात कौन कैसे भाई लन कैसे कार्जा की बात नहीं अभी नहीं बोल सके, और वो बड़ा भाई भी है छोटा भाई भी है दोस्त भी है, बल्कि मतलब ये है कि नेता जेब में रहना चाहिए। अच्छा, जेब में रहना चाहिए। नहीं, यह चीज तो मैं भी पर्सनली फील करी कि उदयपुर वाटी के अंदर सबकन जगह नेताजी का नंबर, सारा जगह नंबर है, प्रत्येक आदमी का नंबर है, सारा मिल जाएगा।
मैं बता रहा हूँ कि मैं ही अठे जखो सबसे कम राजनीति के वगी मैंने पत्तो करने पर ई झुंझुनू जिला के मायने आज भी सुडल एससी एसटी का लोग है, कमजोर तबका का लोग है, जखा आज मंत्री से मिली कौन से गए बीच के मायने ठेकेदार है, इन्हें लेके जाओ बिन लेके जाओ के मतलब है। 21वीं सदी में जी रहे हम, 21वीं सदी है ये, किसी को ले जाने का क्या मतलब है, फोन पर सर्विस दो। जी एक चीज बताओ कि बसपा से भी चुनाव लड़े हो, कांग्रेस के अंदर भी आया, शिवसेना के अंदर थे भी हो, अभी कौन सी पार्टी का साथ में आ रहे हो या फिर इंडिविजुअली? राजेंद्र गुड्डू खुद ही पार्टी है मेरा भाई, सेवा करूं लोगों की, लोगों का काम करूंगा और लोगों को पेटों पर रखूंगा तो लोग आगे बढ़ा देगा नहीं चेप देगा। बिल्कुल। अच्छा जी बताओ कि जहाँ थे ऑलराउंडर तने खयो जा, क्योंकि कोई भी पार्टी विशेष की कोई छाप तो नहीं राखो कोई पार्टी की, अभी एक लुक भी चेंज करो है तो काफी सरगर्मी अभी चाले की गुड़ा दी जगह फिल्मी जगत के अंदर भी जा सके। देख मेरे भाई फिल्म विल्म तो कुछ ही को ना, पर मैं अठा ना अशोक जी मेरे अठार नुतो गादर गया गहलोत साहब, तो मैं मांगे जालोर सिरोही में गाल आयो नुतो, तो नुता रुपया का दो रुपया गाल भागो तो कायदो है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो है ना गरीब से डरू, गरीब ने भगवान मानू, गरीब ना और जनता माँ बाप है, जनता की सेवा मतलब अठे झुंझुनू विधानसभा के मायने गरीबा के लोगों की ताकत को नहीं, गरीब का कोई पावर को नहीं, गरीब वोट देकर बिल्कुल निराश होकर बैठ जाए। कारण के समझ में आवा है एक ही परिवार का सत्ता रहने के पीछे कारण है, के कारण था के समझ में तो लोगों से मिल रहा भी हो अभी कारण तो समझ में आगो निवारण हो जाएगा भी जल्दी, कारण मेरे समझ में आगो मार्चन के माध्यम से अगर रिवील करना चाहो थे। सबसे बड़ी बात है कि झुंझुनू में कोई काम को नहीं हो, कुड़िया बनना चाहिए, हॉस्पिटल की स्थिति बढ़िया होनी चाहिए, ओवर ब्रिज को मामलों तो काफी पुराना है गुड़ा जी, वो सल्टना मारे ही कोने है, तो क्या फरमांस कहां गया अगर गुड़ा जी उससे चुनाव लड़ने जीती ही तो वो तो कंफर्म ही बन जाओ। लठ गाड़ दूंगा, लठ पग पग मिल दूंगा, चाहे कि कठे जार बिड़ बागे माने मेरे मुकाबला ही कोनी है, कठे बिड़नो पड़े, रिजल्ट दूंगा रिजल्ट, नोलगढ़ी कोने उदयपुर वाटिया ने गुड्डा साइड में पुलियो बन जाओ। लोग क्लब ने तीन तीन सरकारी कॉलेज ठोक दी, मैं तीन तीन 4000 बोटाला गांव ने नगर पालिका बना दी, सुल्ताना 20000 बोटा गांव है नगर पालिका कौन बड़ी, कुछ भी कोने है काम, काम करे को नहीं। पार्टी को ऐलान भी गुड़ा जी कर रहे होगे क्योंकि AIMI को भी चर्चों बीच में सुनना मारे होगी बड़े से भी गुड़ा जी पार्टी टिकट ला सकते भाई। असुरुद्दीन ओवैसी से मेरे अच्छे संबंध है, अच्छे संबंध है, चैनल के माध्यम से ऐलान कर दो कि झुंझुनू से चुनाव गुड़ा जी लड़ रहेंगे। देख पहली प्रत्येक गाँव में पैदल जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, जनता चाहेगी जनता चाहेगी वो एक छत्र खत्म होना चाहिए तो हो जाएगा, मैं जनता चाहेगी जय करूंगा। बिल्कुल। तो गुड़ा जी को खड़ो की अगर जनता बांधना है ये इंडिकेशन देगी, ये इशारो देगी कि बदलाव की जरूरत है तो झुंझुनू से अपन जरूर जो नयो चेहरों जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो देखने मिला, तब तक राम राम।